हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 8 का ए का वन पार्ट। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे 10/13 आ गए। भाई 2/3 को हम किस नंबर से किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किए कि हमारे कितना आ जाए 10/30 आ जाए। भाई 2/3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा को मिल जाए 10/30 मिल जाए। भाई ये 3 की टेबल बोलो 30 तक, अगर हम 3 की टेबल 30 तक बोलते हैं, 3 का डिवाइड 30 तक करते हो 10 कितना आएगा 10, तो 10 तो 10 आ गए, तो हमें पता है कि अब 3 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करो तो 30 आ जाएगा। 2 की टेबल 10 तक बोलो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5। अब 2 5 10, इसका मतलब हमारा यहाँ पर जो आएगा कितना आ जाएगा 5 5 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखो 2 5 10 हो जाएगा और 3 10 30। अब हमें कैसा पता लगेगा भाई 5/10 आएगा, क्योंकि हमने देखा भाई 2 की टेबल 10 तक बोली तो 5 टाइम जा रही, 3 की टेबल 30 तक बोली तो 10 टाइम जा रही, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ऐसे हमारा नेक्स्ट में बोल रहा द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म करनी, फॉर्म ऑफ द नंबर ऑप्टेन। ऑप्टेन हमने क्या किया भाई, ऑप्टेन हमने क्या किया, अब सिंपलेस्ट फॉर्म कह रहा 2/3। ऑप्टेन हमारा क्या आया, जो हमारा ऑप्टेन है कितना है 5/10 है, ठीक है, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या, 5/10 की सिंपलेस्ट फॉर्म ये ऑप्टेन किया हमने। अब भाई 5/10 के सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कहाँ तक कटेगा, तो 5 1 5 5 2 10 सेम नंबर से कटना चाहिए, तो यहाँ हमने 5 से काटा, यहाँ भी 5 से, तो क्या सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 हो जाएगी। ओके, अब भाई बी पार्ट का फर्स्ट है, फिर प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, फिर वही बात हो गई, बॉक्स में प्रोवाइड करें सच दैट 3/5 × (=24। भाई 3/5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई किए करें कि हमारा 24/ कितना आ जाए 75 आ जाए। भाई 3 के टेबल 24 तक बोल दिया, 3 8 24 होता है, 8 का मतलब 8 से मल्टीप्लाई करो 24 आ जाएगा। और ऐसे में कह रहा कि हमें 5 के टेबल 75 तक बोलनी, तो 5 से डिवाइड करके देखो, अगर टेबल नहीं आती 5 1 5 2 बच रहा, 5 5 25, तो कितने 15 आ रहा, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा भाई 8/ कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ओके, अब फिर वही सिंपल क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑप्टेन, जो हमने ऑप्टेन किया ये 8/15 हमने ऑप्टेन किया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना भाई, 8/15 के सिंपलेस्ट फॉर्म, भाई 8 और 15 सेम टेबल से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, ये 2 से होता और 4 से होता 8 से, लेकिन ये नहीं होता, तो यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, कितना 8/15 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। ओके,